हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम ग्रुप 17 की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि जो ग्रुप 17 है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और उसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है अपनी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी उसमें फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता था, और बाकी जो हैलोजन्स हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करते थे +1 to +7 की रेंज में। क्लियर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर? क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती, ठीक है, इसकी वजह से ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है। और जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, इसलिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है। नेक्स्ट हम करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्टिव होंगे। क्लियर? हाँ जी। तो सबसे पहले तो जो रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन के थ्रू, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती आएगी। क्लियर है? क्यों? जैसे हम बात कर सकते हैं F2, Cl2, Br2, I2। डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन का जो साइज है, साइज ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है, हैलोजन्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो हाइड्राइड आयन है या हाइड्रोजन एटम है उसका साइज होता है कम, ठीक है। तो इनकी और हाइड्रोजन एटम की जो ओवरलैपिंग है वो इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है, बट साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम इज लेस, साइज हाइड्रोजन एटम का लेस होता है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हैलाइड आयन डिक्रीज हो जाएगी। ओवरलैपिंग हाइड्रोजन एटम के बीच और हैलाइड आयन के बीच डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है, रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। या हम देख सकते हैं कि जो फ्लोरीन है वो तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्लियर? जिसकी वजह से ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी तो बहुत ज्यादा होगी। क्लियर? प्रिपरेशन, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स? हाँ जी, Cl2 + H2SO4, CaSO4 + 2HF हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारे पास आ जाए, या NaCl + H2SO4, या Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस HCl, सोडियम सल्फेट प्लस HCl। क्लियर? लेकिन जो HBr है और HI है उसको हम डायरेक्टली इस तरह से प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो HBr और HI है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग
एजेंट हो होते हैं, ठीक है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज कर देंगे, ठीक है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर देंगे किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड में, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किस फॉर्म में आ जाते हैं, Br2 की फॉर्म में और I2 की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। H2SO4 को तो रिड्यूस कर देंगे SO2 की फॉर्म में और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे Br2 की फॉर्म में और I2 की फॉर्म में, क्लियर है। हाँ जी, रिएक्शन से हम शो कर सकते हैं। हाँ जी, 2NaBr प्लस H2SO4 अगर मैं रिएक्शन करता हूं, ठीक है, हाँ जी, तो ये बनेगा Na2SO4 प्लस 2HBr, ठीक है। तो जो H2SO4 है वो रिड्यूस हो जाता है SO2 में, क्लियर है। यहां पर H प्रेजेंट है तो H2O, ठीक है, हाँ जी, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहां 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन, क्लियर है। इसको क्या कर दिया, प्लस 6 से प्लस 4 की फॉर्म में ले आया, हाँ जी, SO2 में, और खुद जो HBr है, खुद HBr है वो चेंज हो जाता है Br2 की फॉर्म में, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है -1 से, यहां पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लियर है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। H प्रेजेंट है तो मैं लिख सकता हूं H2O, ठीक है, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये मेरे पास रिएक्शन होगी। हाँ जी, ओवरऑल रिएक्शन हम लिखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास होगा कैंसल आउट 2HBr, ठीक है। हाँ जी, रिएक्शन आ जाती है 2NaBr प्लस 2H2SO4, प्रोडक्ट होगा Na2SO4 प्लस SO2 प्लस 2H2 प्लस Br, क्लियर, मीन्स HBr की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, बल्कि जो Br है वो ऑक्सीडाइज होके Br2 की फॉर्म में चला जाता है और H2SO4 को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो जो HBr है और जो HI है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इनको हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, इनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं किस तरह से, फॉस्फोरिक एसिड के साथ NaBr प्लस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करके हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, क्लियर, प्लस HBr प्लस HBr, ठीक है, और इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं H2 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम 573 केल्विन पर, ठीक है, ये दे देगा हमें HBr, ठीक है, इस मेथड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट जो HF है वो सॉलिड स्टेट में एडजस्ट करता है, HF सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए ये सॉलिड स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम शो कर सकते हैं, हाइड्रोजन अटैक होगा किसी दूसरे फ्लोरीन से, ठीक है,
इस तरह से हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमेशा जो नीचे बॉटम में किसको रखना है हमें, फ्लोरीन को। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं फ्लोरीन गड्ढे में। ठीक है, बॉटम जो साइट है वहां पर हमें हमेशा किसको रखना है, फ्लोरीन पे। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या है कि जो दो FH बॉन्ड है उनके बीच क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और बाकी जो HBr है उनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो वो क्या गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, HF सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो HBr, HCl, HI है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट HF है, HCl है, HBr है, HI है। देखिए HF है, HF के पास तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, HF ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो इसकी वजह से जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है। HF का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरे मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं, दूसरे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का साइज बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का तो सेम है, साइज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड वैन डर वाल फोर्सेस का बढ़ रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ रहा है, और अगर वैन डर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट ऑर्डर होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, HF का सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन HI, उसके बाद HBr और उसके बाद HCl। ठीक है, ये हमारे पास एग्जैक्ट ऑर्डर होगा। क्लियर। नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, डाइपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। HF है, HCl है, HBr है, HI है। हाँ जी, मुझे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ रही है, कम होती आ रही है। ठीक है, लेकिन हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो इसका डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो मैं लिख सकता हूं डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलाइड आयन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलाइड आयन डिक्रीजेस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हैलाइड आयन डिक्रीज। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, HF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, और
एच आई का डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर के लिए हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कोवलेंट करेक्टर। कोवलेंट करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर निकलते हैं फैजान रूल से। फैजान रूल से, फैजान रूल होता है कि जो कैटायन है उसके पास कितनी पोलराइजिंग पावर है और जो एनायन है उसके पास कितनी पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है, और उसके फैक्टर्स से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स क्या होता है, छोटा कैटायन होना चाहिए, मोटा एनायन होना चाहिए, मोटा एनायन होना चाहिए और बड़ा चार्ज होना चाहिए, क्लियर है, बड़ा चार्ज होना चाहिए। तो इसमें देखिए कैटायन तो सेम है बट एनायन मोटा किसमें है, आयोडीन में, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो एच आई है उसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, और अगर उसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा तो उसका आयनिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो या फिर मैं लिख सकता हूं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जो कोवलेंट करेक्टर है, कोवलेंट करेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है, कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कोवलेंट करेक्टर आयनिक करेक्टर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं लिख सकता हूं आयनिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, आयनिक करेक्टर डिक्रीज होगा, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ हम बोल सकते हैं साइज बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है, और अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे एच एफ है दोनों का साइज क्या है, कम है, बॉन्ड लेंथ ये है, और एच आई है, एच का तो सेम रहेगा साइज, एच सी एल है बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि सी एल का साइज फ्लोरीन के साइज से बड़ा होता है, ठीक है। और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो मैं लिख सकता हूं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। हाँ जी, नेक्स्ट हम बोलेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी देखिए डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, साइज ऑफ हैलाइड आयन, हैलाइड आयन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हैलाइड्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का साइज तो सेम ही है, या हाइड्रोजन का साइज क्या होगा, लेस होगा, तो ओवरलैपिंग इसकी और इसकी, क्योंकि लगभग दोनों का सेम साइज है, ओवरलैपिंग इन दोनों की क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, इफेक्टिव होगी, या फिर मैं बोल सकता हूं इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ओवरलैपिंग क्या है, इफेक्टिव होती है, ठीक है, लेकिन डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती, ओवरलैपिंग डिक्रीज होती रहती है। तो मैं लिख सकता हूं ओवरलैपिंग बिटवीन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड हैलाइड आयन, हैलाइड आयन डिक्रीजेस, क्लियर, ओवरलैपिंग अगर डिक्रीज हो गई तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्योंकि वो बहुत जल्दी टूट जाएगा जब ओवरलैपिंग ही नहीं है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और मुझे पता है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के, थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के, मतलब टेंडेंसी टू रिड्यूस, कितना रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया, ओवरलैपिंग कम आ गई है, तो इसकी टेंडेंसी ज्यादा नहीं हो गई है रिड्यूस होने में,
ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो इसकी रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, ज्यादा हो गई है। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है एसिडिक करैक्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसिडिक करैक्टर। यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से देखी जाएगी कि कितना वो एच पॉजिटिव आयन दे सकता है। ठीक है, कितना एच पॉजिटिव आयन दे सकता है, तो मैं लिख सकता हूं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। हाँ जी, साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। साइज अगर इंक्रीज हो गया तो ओवरलैपिंग डिक्रीज हो जाएगी, ओवरलैपिंग बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड हैलाइड आयन, हैलाइड आयन डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर, ओवरलैपिंग डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब ये इजिली रिलीज कर देगा एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इजिली रिलीज द एच पॉजिटिव आयन। क्लियर है, तो एच आई इजिली रिलीज कर देगा एच पॉजिटिव आयन को, और जो एसिडिक करैक्टर है, एसिडिक करैक्टर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और डाउन द ग्रुप एसिडिक करैक्टर क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, या फिर मैं बता सकता हूं कि एच एफ में तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इतनी जल्दी नहीं तोड़ सकता, और जल्दी नहीं तोड़ेगा तो वो एच पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं करेगा, और उसका जो एसिडिक करैक्टर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और डाउन द ग्रुप एसिडिक करैक्टर बढ़ जाएगा। क्लियर, तो ये थी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन हैलाइड्स की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर